बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, आई होप यू विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड। प्यारे तलबा, आज हम समर पैक का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो तीसरा लेक्चर है वो है कंपाउंड्स वर्ड्स के बारे में। इसमें आपको एक टेबल दिया गया है और उसमें कुछ कंपाउंड वर्ड्स आपको दी गई है। आपने उस कंपाउंड वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिलवाना है, किसका जो सही नंबर कंपाउंड वर्ड्स आता है आपने उसको साथ इसको मिलवाना है। और फिर नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दी गई है, आपने उन चीज़ों को, उन कंपाउंड वर्ड्स को आपने उन सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स में उसको फिल करवाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड कहते हैं जमा को। कंपाउंड वर्ड्स वो अल्फाज या कंपाउंड नाउन्स, इसको भी हम कह सकते हैं। कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउंस वो अल्फाज या वो नाउंस होते हैं जब दो नाउंस एक दूसरे के साथ मिल जाएं और उसका मीनिंग तब्दील हो जाए, बदल हो जाए, मुख्तलिफ बन जाए, उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक वर्ड है वाइट। वाइट सफ़ेद क्या कहते हैं, और स्नो, स्नो को, स्नो फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्ड है स्नो, तो स्नो बर्फ को कहते हैं। तो अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाए वाइट स्नो, तो ये हमारे साथ सफ़ेद बर्फ बन जाता है। या फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक वर्ड है टेबल, टेबल मीन मेज, एंड बुक एक है हमारे साथ बुक, बुक का मतलब है किताब। तो ये जब दोनों एक साथ मिल जाए तो उससे कंपाउंड वर्ड्स बन जाता है टेबल बुक। और टेबल बुक हम जब हम डिफरेंट टेबल्स 1, 2, 3, 4, 5 के टेबल्स पढ़ते हैं तो उसके लिए हम टेबल बुक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक से दूसरे के साथ ऐड हो जाए, जमा हो जाए और उसका मीनिंग तब्दील हो जाए, तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, कप, सन, ग्रास, ब्लू, स्नो, वाटर, क्लास एंड रेन। उसके सामने आपको कुछ उसकी मुताबिक उसकी वर्ड्स दी गई है, आपने उन कंपाउंड वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिलवाना है, जो सही आता है उसको आपने लाइन ड्रा, उसकी तरफ लाइन ड्रा करना है। तो सबसे पहला नंबर है जो है, जो है वो है कप। कप, कप को हम केक के साथ मिलवाएंगे, तो कप का मतलब है प्याला और केक केक। तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये कंपाउंड वर्ड्स बन जाता है और एक कप केक बन जाता है। दूसरा नंबर है सन। सन सूरज को कहते हैं और लाइट रोशनी को कहते हैं। तो ये सन लाइट जब दोनों बन जाए, एक दूसरे के साथ जमा हो जाए, तो ये हमारे साथ सनलाइट बन जाता है और जिसका उर्दू मीनिंग होता है सूरज की रोशनी। तीसरा नंबर जो वर्ड है वो है ग्रास, हुपर। ग्रास, ग्रास को कहते हैं, हुपर मल्लाह को कहते हैं। लेकिन ये जब दोनों एक साथ साथ मिल जाए तो ग्रास हुपर बन जाता है, जिसको हम उर्दू में टिड्डी कहते हैं। चौथा नंबर वर्ड है ब्लू। तो ये ब्लू जो है, ब्लू नीली को कहते हैं, बेरी बेरी को कहते हैं। तो ये जो दोनों एक साथ मिल जाए ब्लू बेरी, तो ये हमारे साथ ब्लू बेरी बन जाता है, ये स्ट्रॉबेरी का एक किस्म है। जो चौथा नंबर वर्ड है वो है हमारे साथ, पांचवा नंबर वर्ड है वो है हमारे साथ स्नो। स्नो बर्फ को कहते हैं, मेन आदमी को कहते हैं। लेकिन ये जब दोनों बन जाए तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है और स्नोमैन जो बन जाता है, स्नोमैन वो बर्फ वाले आदमी को हम स्नोमैन कहते हैं। नंबर सेकंड, नेक्स्ट नंबर जो है वो है वाटर। वाटर पानी को कहते हैं, फॉल कहते हैं गिरना। लेकिन जब ये दोनों एक साथ बन जाए तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है और वाटरफॉल बन जाता है। क्लास, क्लास, क्लास को कहते हैं, रूम, कमरे को कहते हैं। लेकिन ये जब दोनों एक साथ मिल जाए तो ये क्लासरूम बन जाता है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग करते हैं, क्लासरूम स्कूल में जो होते हैं हमारे साथ। और आखिरी वाला जो है वो है रेन। रेन बारिश को कहते हैं और वो को कहते हैं निशाने वाली चीज़, जब उसको हम लगाते हैं। लेकिन ये जब दोनों एक साथ मिल जाए तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है, इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है। और रेनबो दनक को कहते हैं, जिसमें 7 किस्म के मुख्तलिफ रंग्स होते हैं। अगला नंबर जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, कुछ सेंटेंसेस दी गई है, आपने उन अल्फाज को इन तमाम कंपाउंड वर्ड्स को इन फिल इन द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट नंबर है वो है अ स्मॉल केक बिहाइंड इन अ कप शेप इज नोन एज कप केक, इसमें कप केक आता है। द लाइट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सन लाइट। An insect that hops in the grass is known as grasshopper. A type of small sweet berry that burns blue when ripe is a blueberry. Number 5 jo hai wo hai a person shaped figure made out of snow is called a snowman. Number 6 jo hai wo hai an area where a river falls down or a high place is waterfall. Number 7 jo hai wo hai a place of school where we learn is known as classroom. And last one jo hai wo hai when sun rises in the rain it forms a rainbow.
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बताया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, आपको जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।